नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में पूर्ण पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएंगे। देश में बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की। रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति में सेनाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने विजयादशमी पर उत्तराखंड में औली सैन्य केंद्र पर शस्त्र पूजा की। विजयादशमी का पर्व आज देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के 10 सदस्यों को आतंकी घोषित किया। उत्तर कोरिया के जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के जवाब में दक्षिण कोरिया और अमरीका ने मिसाइल परीक्षण किया। और राष्ट्रीय खेलों में सेना 39 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस अस्पताल की आधारशिला प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा की केंद्रीय योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2017 में रखे थे। श्री मोदी ने कहा कि विजयादशमी पर शुरू की गई ये परियोजनाएं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे, और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने विकास परियोजनाओं का श्रेय सभी मतदाताओं को दिया। अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है। अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बिलासपुर को शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के दो उपहार मिले हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने देश के सुदूर क्षेत्रों के लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया है। श्री मोदी ने बताया कि बिलासपुर में एम्स बनने से हिमाचल प्रदेश के लोगों को सस्ती चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। ये संस्थान पर्यावरण अनुकूल भी है और इसे ग्रीन एम्स के नाम से भी जाना जाएगा। बिलासपुर एम्स एक और बदलाव का प्रतीक भी है। ये ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। पूरी तरह पर्यावरण प्रेमी एम्स, प्रकृति प्रेमी एम्स। एम्स बिलासपुर का निर्माण 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। ये एक अत्याधुनिक अस्पताल है जिसमें 18 स्पेशियलिटी और 17 सुपर स्पेशियलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 64 आईसीयू बिस्तर के साथ 750 बिस्तर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 247 एकड़ में फैले इस अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन और डायलिसिस सुविधाओं सहित अत्याधुनिक नैदानिक मशीनें भी हैं।
यहां अमृत फार्मेसी, जन औषधि केंद्र और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक भी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को एम्स का उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हर क्षेत्र में राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की पहलों पर प्रकाश डाला। गृहमंत्री अमित शाह ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह पारदर्शी ढंग से चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरा होते ही चुनाव करा दिए जाएंगे। हमने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू की। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही चुनाव आयोग का मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आपके खुद के चुने हुए नुमाइंदे यहां पर शासन करेंगे। पहले जो परिसीमन किया, डिलिमिटेशन किया कि आप कुछ भी करो, ये तीन परिवार के लोग ही चुनकर आएंगे। आज चुनाव आयोग ने जो डिलिमिटेशन किया है, इसके परिणाम स्वरूप आपके ही नुमाइंदे जीत कर आएंगे, आपके नुमाइंदे ही यहां पर शासन करेंगे। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के सुशासन से जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है और रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि पिछले 70 साल से जो लोग सत्ता में थे, उन्होंने 1,00,000 बेघर लोगों को आवास उपलब्ध नहीं कराया। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने 2014 से 2022 के बीच इन लोगों को आवास दिए। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले आतंकवादियों का घर था और अब ये पर्यटन का केंद्र बन गया है। और मोदी जी ने 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में आने का। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। कश्मीर के घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6,00,000 सैलानी आया करते थे। आज मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया हूँ, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6,00,000 आते थे, अक्टूबर तक 22,00,000 प्रवासी यहाँ आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बढ़ते पर्यटन पर प्रकाश डाला, जिसने अनेक युवाओं को रोजगार दिया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुपवाड़ा, बांडीपुरा और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों से हजारों लोग शौकत अली स्टेडियम में इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की है। भारत में बालिका शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। 16 राज्यों में बालकों की तुलना में बालिकाओं की मृत्यु दर अब भी अधिक है, लेकिन 2011 के बाद से ये अंतर कम हो गया है। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ये अंतर सबसे अधिक था। राज्य में बालक शिशु की मृत्यु दर प्रति हजार 35 थी और इसकी तुलना में बालिका शिशु की मृत्यु दर 41 थी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के समन्वित दृष्टिकोण से बालक बालिका के बीच भेदभाव समाप्त किया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ, रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ। बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। देश
घर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट, आजादी का इतिहास डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरो इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और टीवी के साथ, सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाए ढेरो इनाम। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, लेकिन यदि कोई देश उस पर कुदृष्टि डालता है तो उसे उचित जवाब दिया जाता है। श्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के पर्व पर उत्तराखंड के चमोली में ओली सैनिक केंद्र पर सशस्त्र बलों और भारत तिब्बत सीमा के जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां पर शस्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। यह देश आपको भारत की जो सर्वोच्च निधियां हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निधि ऐसी को मानता है, तो हमारे भारत की सेना के जवानों को मानता है। गलवान में जो कुछ भी हुआ, हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया कि आपने पासा पलट दिया है, मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। जहां तक भारत के चरित्र का प्रश्न है, भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया। लेकिन यह बात भी सच है कि यदि हमको कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत किसी भी सूरत में उसे माफ भी नहीं करेगा। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के बढ़ते कद को स्वीकार किया है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर भारत की निर्णायक भूमिका रही है। श्री सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात बड़े सम्मान के साथ सुनी जाती है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरे देश को जवानों की क्षमता और योगदान पर गर्व और विश्वास है। श्री सिंह ने देश को बाहरी खतरों से बचाने में सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की और सुरक्षित माहौल की वजह से ही देश आर्थिक विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। उन्होंने गलवान की घटना के समय जवानों की अद्वितीय वीरता और साहस की सराहना की। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी इस अवसर पर मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाने पर बल दिया है। नागपुर में दशहरा पर्व पर वार्षिक संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट रखने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता आवश्यक है। श्री भागवत ने कहा कि दोनों की साझेदारी समाज की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहाँ उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। श्री भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भरता के पथ पर बढ़ने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने वाले मूल सिद्धांतों और विचारों को समझना आवश्यक है। इस भूमि ने हमको अन्न जल तो दिया ही, पुष्ट तो किया ही, विश्व की प्रतिष्ठा दी और हमको अपना संस्कार दिया, वह मातृभूमि, उसकी भक्ति, ये हमारी पहचान का मुख्य आधार है, हमारे स्व का वो मुख्य आधार। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके आधार पर समाज की जागृति हो, इसके आधार पर हम आगे बढ़े, इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। श्री भागवत ने कहा कि आबादी और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है, उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए, काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे, आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या। अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है, इतने लोगों के शिक्षा की स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे, इतने लोग काम करेंगे रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है, ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। श्री भागवत ने मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाए जाने का समर्थन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे।
माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव समारोह में मुख्य अतिथि थीं। विजयदशमी का पर्व आज देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण पर भगवान राम की विजय की विजयदशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने आशा प्रकट की कि इस पर्व पर लोगों में नैतिकता, सत्य और अच्छाई के शाश्वत मूल्यों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा धर्म में लोगों की आस्था को भी सुदृढ़ करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दशहरे के पर्व पर सबके जीवन में संयम, साहस और ऊर्जा के संचार की कामना की है। दिल्ली में शाम को लाल किला मैदान, आरकेपुरम और द्वारका सहित अनेक स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बार इन पुतलों को पटाखों का इस्तेमाल किए बिना जलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल पर अगले साल 1 जनवरी तक रोक लगा दी है। इसे देखते हुए अनेक रामलीला समितियों ने पटाखे न इस्तेमाल करने का फैसला किया है, लेकिन वे लोगों को पटाखों की आवाज का एहसास दिलाने के लिए ध्वनि प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ समितियां विशेष रोशनी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगी, जिससे पुतलों का दहन अधिक वास्तविक लगेगा। कर्नाटक में 10 दिन का मैसूर दशहरा उत्सव आज विजयदशमी के अवसर पर हाथियों के भव्य जुलूस के साथ सम्पन्न हो जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पिछले 9 दिनों से आयोजित मैसूर दशहरा आज विजयदशमी के शुभ पर्व पर संपन्न होने जा रहा है। आज शाम मैसूर में जम्बू सवारी यानी हाथियों के संग भव्य जुलूस का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई दोपहर को नंदी ध्वज यानी धार्मिक झंडे की पूजा में शामिल होंगे। 21 तोपों की सलामी होगी। शाम को वह चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति पर फूल बरसाकर जुलूस का शुभारंभ करेंगे। पुलिस बैंड, पारंपरिक टोलियां, लोक संगीत के कलाकार, सजाए गए ऊंट और घोड़े और हाथियों का समूह इस जुलूस में भाग लेगा। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में पूर्ण पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएंगे। देश में बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की। रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति में सेनाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने विजयदशमी पर उत्तराखंड में ओली सैन्य केंद्र पर शस्त्र पूजा की। विजयदशमी का पर्व आज देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया। उत्तर कोरिया के जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के जवाब में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिसाइल परीक्षण किया। राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज 39 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के 10 सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में उनकी भूमिका के लिए आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने उन्हें आतंकवादी घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की है। ये आतंकी वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहे हैं।
दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण के जवाब में मिसाइल परीक्षण किए हैं। उत्तर कोरिया ने कल जापान के समुद्री क्षेत्र में मध्यम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। पिछले 5 वर्ष में पहली बार उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्री क्षेत्र में मिसाइल दागे। दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य प्रमुख ने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के जवाब में यह कार्रवाई की है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों को खतरनाक और लापरवाही बताया है। भारत अमेरिका कूटनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की मंत्री स्तरीय वार्ता शुक्रवार को होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी वॉशिंगटन डीसी और ह्यूस्टन में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। श्री पुरी जलवायु के प्रभाव को झेलने में सक्षम शहरी बुनियादी ढांचे पर विश्व बैंक के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम ला रहे हैं भारत में सिनेमा का सफर। बीसवीं शताब्दी में सिनेमा की कला अपने आविष्कार के कुछ ही वर्षों के भीतर भारत आ गई। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की। इसके बाद ये इतिहास बन गई और फिर पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा आर्दिशिर ईरानी ने 1931 में बनाई। खुदा के नाम पे प्यार ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गीतों नृत्य और रोमांस से मिली जुली फिल्में जिन्हें इंडियन मसाला कहा गया वो सामने आई। 1940 के दशक में भारत के लगभग आधे सिनेमा हॉल्स और भारत की कुल फिल्मों में से करीब 50% फिल्में बनाने वाला दक्षिण भारत सांस्कृतिक पुनर्जीवन का माध्यम बन गया। बाद भारतीय सिनेमा का वास्तविक विस्तार शुरू हुआ। सरकार ने 1948 में फिल्म प्रभाग स्थापित किया जो विश्व के विशाल डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं में गिना गया और इसने वर्ष भर में 200 से अधिक लघु डॉक्यूमेंट्री बनाई जो 18 भाषाओं में रिलीज की गईं। देश में स्थायी फिल्म थिएटरों के लिए 9000 प्रिंट तैयार किए गए। देखते ही देखते विश्व भर में भारत फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता बन गया। देश में 2019 तक 6327 सिंगल स्क्रीन और 3200 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन सिनेमा थे और फिर विभिन्न भाषाओं के फिल्म उद्योग के कारण सामने आया भारतीय सिनेमा। 2021 में हिंदी में 495 फिल्में और इसके बाद कन्नड़ में 336, तेलुगु में 281, तमिल में 254, मलयालम में 219, बांग्ला में 193 और मराठी में 164 फिल्में बनी। भोजपुरी में 101, गुजराती में 80, पंजाबी में 63, उड़िया में 42 और असमी में 34 फिल्में बनी। इसके अलावा अंग्रेजी में 28 फिल्में बनाई गईं, तुलु में 16 और मणिपुरी में 15 फिल्में बनाई गईं। कल की कड़ी में बॉलीवुड के नाम से विख्यात हिंदी फिल्मों की कहानी सुनाई जाएगी। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIRNewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं, सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जनकल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय खेलों में सेना 39 स्वर्ण 24 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ कुल 86 पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर है। हरियाणा 24 स्वर्ण 22 रजत और 19 कांस्य पदक सहित 65 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 20 स्वर्ण 17 रजत और 35 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 18 स्वर्ण 13 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर है। भारत की 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। अनाहत ने इंग्लैंड की टूरी मलिक को हराकर विश्व जूनियर स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने की घोषणा की है। पार्टी के नाम में परिवर्तन औपचारिक रूप से चुनाव आयोग में नामांकित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से एक सप्ताह की न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। डॉ जयशंकर पहली बार न्यूजीलैंड यात्रा पर जा रहे हैं। ऑकलैंड में वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ कल एक समारोह में भाग लेंगे। न्यूजीलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इंडिया एट 75 डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। वेलिंगटन में डॉ जयशंकर भारतीय उच्चायोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा और सिडनी जाएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की जनता से दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत न करने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया है। दुर्गा पूजा के अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदू समुदाय को शुभकामनाएं दी। भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर आज सुबह करीब 10 बजे अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलटों को नजदीक के सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। जम्मू, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, गैंगटॉक, अगरतला और ईटानगर में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में पूर्ण पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएंगे। देश में बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की। रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति में सेनाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने विजयादशमी पर उत्तराखंड में औली सैन्य केंद्र पर शस्त्र पूजा की। विजयादशमी का पर्व आज देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया। उत्तर कोरिया के जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के जवाब में दक्षिण कोरिया और अमरीका ने मिसाइल परीक्षण किया। और राष्ट्रीय खेलों में सेना 39 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।